yours. Being gay is a crime. Really? तुम्हें सेक्शन 377 के बारे में कुछ नहीं पता? लॉ चेंज करने के डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट में बिल कहते हैं। ये बिल टेबल करने से पहले अपनी दादी को कन्विंस करना होगा। मैं आज ही स्वामी जी को बुलाऊंगी और अगर उन्होंने तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दिया तो तुम्हें ये बेहुदा बिल भूल जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये सब स्वामी जी? खामोखा के मैंने आप पर भरोसा किया, निकल जाइए यहाँ से, जाइए। प्रधानमंत्री की सहमति के साथ इस सभा में मैं ये बिल प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज करते। She's so cool, she's so hot, she's a diva. She don't really give a damn, best believer. They see soul with the swag from the UK, but it's all gonna stop. Politics ke sadangal mein, ye item hai anadi. Snap Insta FB keeper, hai ye pakki khiladi. PM Selfie Wali. मैडम स्पीकर, आई फील हमारा जो नेशनल एनिमल है वो पीकॉक होना चाहिए, क्योंकि जो मोर है वो कभी सेक्स करते ही नहीं। ऐसे तो हमारे देश का रेनबो साड़ी को ऐसे क्यों देख रहे हो? This is my gay pride look, people. Hashtag LGBTQ. Hashtag equality. Hashtag love is love. पीएम साहिबा नई पीढ़ी की नई सोच लेकर आई हैं अपने साथ। उनका मानना है कि अब इस बिल को पास कराने के लिए उनको सभा का नहीं बल्कि जनता का समर्थन चाहिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके प्लेट्स में दो टाइप के ग्रेप्स हैं, हरे और काले। पहले हरे वाले ट्राई कीजिए एंड डोंट वरी, दे आर लो इन कैलोरीज एंड हाई इन फाइबर। कैसे लगे, मीठे? ओके, अभी ब्लैक वाले ट्राई कीजिए, ये भी मीठे है। अगर मैंने एक लॉ पास कर दिया जो कहता है कि आज से सिर्फ हरे ग्रेप्स असली ग्रेप्स है और ब्लैक ग्रेप्स बैंड है, आपको कैसे लगेगा? मैं ये कह रही हूं कि नेचर में ग्रीन ग्रेप्स होते और ब्लैक ग्रेप्स भी, तो हम कौन होते ये डिसाइड करने वाले कि कौन सी असली ग्रेप्स है? हम सब अंगूर है और हम सब जूसी है और हम सब में पोटेंशियल है आगे जाके वाइन बनने का। बिल्कुल मेरे दोस्त रिकी की तरह। रिकी मेरे साथ लंदन से इंडिया आया और यहाँ आके बोला गया है कि वो एक क्रिमिनल है जस्ट बिकॉज ही इज गे। आई लव रिकी एंड आई एम डैम प्राउड ऑफ हिम। If you love your gay friend और आप उन्हें support करना चाहते हैं मेरी तरह, then please take a hashtag guilty with them और उसे सब जगह डालिए, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, everywhere. And don't forget to tag me hashtag Yo Tanya So Awesome.
#Tanya so awesome. #You're such a not so bad either. तुम्हें पता है ना तुम number one पे trend कर रही हो वो भी पूरे दो दिन से. मैं तो पैदा ही trend करने के लिए हुई थी. But Tanya, on a serious note, do you really think इन सब selfies और hashtags से सच में कोई revolution आने वाला है? मैं PM इसलिए बनी थी क्योंकि मैंने एक गांव में सेल्फी लिया था. Yeah, but I hope you know trends दो दिन में बदल भी जाते हैं. पर revolution भी तो एक ही दिन में आ सकता है. तुमसे तो बातों में जीतना ही मुश्किल है तान्या. चलो anyway, I guess मुझे MP से फिर से बात करनी होगी. #FingersCrossed. #Waiting. #Cute. तान्या जी देश के धरोहर की धज्जियां उड़ा रही हैं। सोशल मीडिया में तान्या के नाम का ऐसा सुनामी आया है जिसमें पूरा का पूरा भारत डूब गया है। Boys are nowadays clicking picture with boys and girls with girls. ये चल क्या रहा है हमारे देश में? आप लोग खामोखा के परेशान हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया वीडिया सब बकवास है। आज गे राइट्स के लिए लड़ रहे, दो दिन बाद शाहरुख और सलमान को लेके लड़ेंगे। विधायक है, हम आपको समर्थन नहीं दे पाएंगे। अरे आप एक बार जनता का आक्रोश तो देखिए प्रसाद जी। क्षमा करें। हेलो हेलो। ओह गॉड। व्हाट डू दे से? हमने इतने सारे एमपी से बात की है, इतना पावरफुल सोशल मीडिया कैंपेन होने के बावजूद एक एमपी नहीं है जो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। आई थिंक कोर्स करेक्शन का टाइम आ गया है। हमें इस मूवमेंट को अब ऑफलाइन ले जाना होगा। यू मीन लाइक अ प्राइड मार्च? मेरे पास कुछ अमेजिंग कलरफुल फेदर वाले आउटफिट्स हैं। नहीं नहीं तान्या, उससे भी कहीं ज्यादा, जब तक इन एमपीज पर इनके खुद के वोट बैंक से प्रेशर नहीं आएगा ये कुछ नहीं करेंगे। हाउ अबाउट दिस, हम सेम सेक्स के कपल्स को बोलते हैं कि वो मार्चेस करें एंड एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट दे कैन किस ईच अदर। देखी बेबी ऐसा नहीं कर सकते, सबके सब अरेस्ट हो जाएंगे ऑब्सेनिटी के जुर्म में। यू मीन इंडिया में पब्लिक में किसिंग इलीगल है लेकिन पिसिंग नहीं? एग्जैक्टली। वाओ, यहाँ कितने सारे बिल्स हैं जो मुझे पास करवाने पड़ेंगे। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सीधा जनता के दिल से मंत्रियों के दिमाग तक जाए, यू नो लाइक द कॉल ऑफ द पीपल। व्हाट इफ हम सब अपने एमपीज को मिस कॉल देना शुरू करें? What? Mm-hmm. What do you mean? Ivan? पिछले तीन दिन से सोशल मीडिया पे हम अपने राइट्स डिमांड कर रहे हैं और फिर भी हमारे एमपीज हमें इग्नोर कर रहे हैं। अपनी आवाज अपने एमपीज तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, #BeAVoteBank। गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, स्ट्रेट, आदमी, औरत, ये लड़ाई हम सब की है और हमें एक ऐसा वोट बैंक बनना पड़ेगा जो कोई भी पॉलिटिशियन इग्नोर नहीं कर सके। और ये हम करेंगे एक छोटे से मिस कॉल से। अपने एमपीज को फ़ोन कीजिए और उन्हें बताइए कि अगर उन्होंने हमें ये बिल पास करवाने में सपोर्ट नहीं किया तो आने वाले जनरल इलेक्शंस में आप उन्हें वोट नहीं देंगे। जाइए, अपना पिन कोड डालिए और अपने एमपी का नाम और नंबर लीजिए एंड जस्ट गिव देम अ मिस कॉल एंड कीप कॉलिंग देम जब तक उनकी फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए। #PowerBank। तानिया क्या कर रही है? हम लोगों के लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तान्या ठाकुर ने देश में खलबली मचा दी। धारा 377 एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत सारी चर्चा और विश्लेषण हुए। तान्या ठाकुर
ठाकुर का हैशटैग गेल्फी और हैशटैग मिस कॉल का अंदाज लोगों पर जादू कर रहा है। कानून के साथ देश की हवा बदलती जा रही है और जनता में पीएम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता आइयो 5 दिनों में 5000 मिस कॉल आए। पिछला इलेक्शन 6000 वोटों से जीता था, अभी तक 6500 मिस कॉल आ गए। अगर मैंने ये बिल सपोर्ट नहीं किया ना तो मैं गारंटीड हार जाऊंगा। अब आप बताइए मैडम मैं क्या करूं? आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार पीएम तान्या ठाकुर और अपोजिशन के सचिन घाट के कई दिनों से कर रहे थे। ये बिल पिछली बार भारी बहुमत से हारा था। क्या होगा सभा के फ्लोर पर इस बिल का अंजाम इस बार? यू मे बिगिन द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे। मैडम स्पीकर, पिछले कुछ दिनों से एक बात है जो पूरे देश में आग की लपटों की तरह फैल गई है। वो बात जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी, वो बात जितनी सरल है उतनी ही मुश्किल। और वो बात ये है कि जब बनाने वाले ने हम सबको बनाया है तो हम क्यों एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं? धारा 377 हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो आई वुड लाइक टू रीइंट्रोड्यूस द बिल सीकिंग अबॉलिशमेंट ऑफ सेक्शन 377। यू मे इंट्रोड्यूस द बिल। जो इस बिल के खिलाफ है वो कहे नो। और जो इसके समर्थन में है वो कहे आए। आए 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 पार्लियामेंट हियर बाय एबॉलिशेस सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, देयर बाय डीक्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप्स। उड़ जा तू, कोई रोके न रुके।